हेलो गाइस, शोबिज़ न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक लेकर आ रहे हैं कि भारतीय अदाकारा की आंखें शदीद ख़राब होगी और उनको दिखाई देना बंद हो चुका है। दोस्तों, भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय अदाकारा जैस्मिन भासिन ने कहा कि मैंने नई दिल्ली में मुनक्कद होने वाली एक तकरीब में शिरकत के लिए रवाना होने से कबल कंटेक्ट लेंस लगाए थे और कुछ देर बाद मेरी आँखों में शदीद दर्द शुरू हो गया। जैस्मिन भासिन ने कहा कि मैंने दर्द के बावजूद भी तकरीब में शिरकत का फ़ैसला किया, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। मेरी आंखों का दर्द इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया था कि मुझे अपनी आंखों से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अदाकारा ने कहा कि मैं शदीद दर्द के साथ आंखों के सर्जन के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि कंटेक्ट लेंस की वजह से मेरी दोनों आँखों के कॉर्नियाज को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मेरी दोनों आंखों पर पट्टी बांध दी है और मेरी आंखों की बिनाई ठीक होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक मुझे अपनी आंखों की अच्छी तरह देखभाल करने की ज़रूरत है। जैस्मिन भासिन ने मज़ीद कहा कि ये आसान नहीं है क्योंकि मैं देख नहीं सकती और दर्द की वजह से मुझे सोने में मुश्किल का सामना हो रहा है। दोस्तों, शोबिज़ से जुड़ी मज़ीद ऐसी अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।